हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे आपका दिल से स्वागत करती हूँ मैं अंबिका। तो आज फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी जर्नी में चल रही हैं और जिनको हमेशा ये लगता है, टेंशन चिंता बनी रहती है। जब डिलीवरी डेट पास आती है उसके एक महीने दो महीने पहले से ही चिंताएं बन जाती हैं कि हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या लेके जाऊं डिलीवरी के लिए। ये चीज़ रहता है ना अंदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी किसी सेक्शन वाली होगी, तो इस वजह से काफ़ी चिंताएँ बनी रहती हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि हॉस्पिटल डिलीवरी कराने जाने से पहले जो बैग रेडी किया जाता है, हॉस्पिटल बैग का है आज ये वीडियो। सी सेक्शन डिलीवरी वाले जो बैग में वुमेन रखती हैं सामान, जो औरतें ले जाती हैं सामान, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो वुमेन जाती हैं वो कौन कौन से सामान अपने साथ कैरी करके ले जाए हॉस्पिटल, उसी पे आधारित है आज का वीडियो। तो चलिए बने रहिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो। किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, अगर कोई भी वुमेन है जो प्रेगनेंसी जर्नी में चल रही है तो सेवन मंथ के लास्ट के बाद जब आपका 8 मंथ स्टार्ट होता है तभी आपको हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना है अपने लिए भी और अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी जो होने वाला है। न्यूबॉर्न बेबी जो कि दुनिया में आने वाला है, बेबी के लिए जो हॉस्पिटल बैग होता है उस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फुल वॉच कीजिए वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वो वाला भी वीडियो। तो एक हॉस्पिटल बैग आपके बेबी के लिए रहेगा और एक तो माँ के लिए रहेगा जो डिलीवरी कराने के लिए गई है। तो उसमें क्या क्या सामान रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, 8 मंथ लगते ही हमें अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना रहता है। मेरा भी 3rd सेमेस्टर चल रहा है और मैंने भी अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया है। 8 मंथ चल रही है, हाफ जर्नी कम्प्लीट हो गई है 8 मंथ की। और बस तो इसी टाइम मुझे लगा कि अब मुझे अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या मतलब कहाँ नहीं जा सकता है ना, क्योंकि मेरा होने वाला है सी सेक्शन। तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैं अपने बैग में सारे सामान रखे हुए हैं, क्योंकि सी सेक्शन में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो सब रखे हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरी में भी यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बस थोड़े से सामान कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल बैग में जो मैंने पैक किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे 2 ऑलरेडी बेबीज़ थे तो मैंने उनके टाइम भी यही चीज़ें पैक की थी, तो मुझे थोड़ा सा जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको जो भी सामान ज़रूरी लगते हैं वो भी आप पैक कर सकते हैं अपने साथ। तो पहली वो चीज़ है जो आपको अपने साथ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने साथ कैरी करके ज़रूर से लेके जाना है, जैसा कि ये फाइल्स जो कि हॉस्पिटल्स की फ़ाइल होती हैं, आपके जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ की पीरियड होती है वो सारे इसमें फाइल्स रख रहते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे आपको इस तरीके से फाइल में कैरी कर लेना है। इसके साथ ही आपके जो मेडिसिन्स वगैरह चल रहे हैं उसको भी अपने साथ लेकर के जाना है, अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने साथ ये कैरी करना है, ये मैक्सी या ग्राउन आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करना है। 2 ग्राउन रखिए, इनफ है, क्योंकि 2 ग्राउन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो उसमें भी मैक्सी मांगा जाता है, और मैक्सी आपको अपने लिए कंफर्ट लेना है और हमेशा बड़ा साइज लेना है, क्योंकि ढीली मैक्सी रहेगी ग्राउंड रहेगा ना तो उससे आपको ही बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो 2 ग्राउंड मैंने अपने साथ इस तरीके से कैरी किया हुआ है, और ये दोनों ही मैक्सी फिटिंग वाली मैक्सी है। तो इसका भी मैंने हॉल वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे, अभी तक आपने नहीं देखा है मैंने कहाँ से परचेस किया है वो सब मैंने डाला हुआ है, वो ज़रूर जाके वीडियो देखिएगा। तो ये फिटिंग वाली मैक्सी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे बच्चे को फिटिंग कराने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके का है मैक्सी, मैं अपने साथ 2 मैक्सी रख लूँगी। मैं अपने साथ कैरी करूँगी मेन इम्पॉर्टेंट स्लीपर जो कि ये है, और एक्वालाइट का मैंने स्लीपर परचेस किया है। मुझे जो इस तरीके के स्लीपर पे दाने होते हैं ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे बहुत आराम देता है, आपके पैर को नीचे से काफ़ी ज़्यादा आराम देता है, तो ये वाला मुझे स्लीपर बहुत पसंद है। तो ये वाला मैं अपने साथ कैरी करूँगी, एक जोड़ी मैंने स्लीपर भी अपने बैग में पैक कर लिया है। इसके अलावा मैंने न्यू मोम मैटरनिटी सेंटरीज पैड्स जो हैं वो मैं अपने साथ कैरी करूँगी, काफ़ी अच्छा उसका रिव्यू था और काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए है, अगर आपने नहीं मंगाया तो ये ज़रूर अपने साथ कैरी करिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों में ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो इस तरीके का मैंने 2 पैकेट्स ऑर्डर किए हुए हैं, ऑलरेडी आपको हॉस्पिटल से भी प्रोवाइड होता है जो पैड्स होते हैं,
बट ये वाला जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा फटाफट से इसको भी दो पाउच में ले लेती हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में। इसके अलावा मैं अपने साथ कैरी करूँगी ब्रा, जो कि फिटिंग वाले ब्रा होते हैं ना, जो यहाँ से ओपन होते हैं, वो वाले आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने साथ नॉर्मल ब्रा या तो नर्सिंग ब्रा जो होती है फिटिंग कराने के लिए बेबी के लिए, वो जरूर अपने साथ कैरी करिए। अदरवाइज ऑपरेशन के बाद ना ब्रा वगैरह अलाउ नहीं रहता है, आप पहन भी सकते हैं, आपको जैसा कम्फर्ट फील हो उसके अकॉर्डिंग भी चलता है। तो आप इसको अपने साथ कैरी जरूर करिए, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। बट मुझे मेरी दो प्रेगनेंसी जो थी, मेरे दोनों बच्चे सेक्शन हो गए थे, उसमें मुझे नर्सिंग ब्रा और नॉर्मल ब्रा की जरूरत नहीं पड़ी थी हॉस्पिटल में। अदरवाइज अगर आप यूज़ करते हैं और आपको कंफर्ट नहीं फील होता तो आप अपने साथ ये ब्रा जो है फिटिंग वाला ब्रा और नॉर्मल ब्रा दोनों अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये है वो मैं अपने साथ यूज़ करूँगी, इस तरीके के दो हैंकी अपने साथ मैं लेके जाऊँगी, ताकि मान लीजिए फेस पे या कहीं भी कुछ लग जाए तो उसको क्लीन करने के लिए, या बच्चे को फिटिंग करा रहे तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की दो हैंकीज मैं अपने बैग में, हॉस्पिटल बैग में ये भी रखूँगी। अपने जो मैंने बेबी हॉस्पिटल बैग में रखा हुआ था ये वाइप्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। वाइप्स आप उस टाइम पर जब आपका सर्जरी हुई रहती है, सी सेक्शन हुआ रहता है, तो आपको उठना उठना बैठना बिल्कुल मना रहता है, तो आप फेस वॉश वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये जो है हमारा कह सकते हैं वाइप्स, वो बहुत ही अच्छा वाइप्स भी अपने हॉस्पिटल बैग में रखूंगी। इसके अलावा इनकी जो तौलिया होती है ना, वो गमछा भी बोल सकते हैं या टॉवल बोल सकते हैं, आप अपने साथ सॉफ्ट टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं अपना फेस वगैरह क्लीन करने के लिए, हाथ वगैरह अगर आप वॉश करते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अपने साथ एक टॉवल या तो कॉटन के टॉवल जरूर कैरी करिए, अपने बैग में जरूर रखिए। टी है मैंने ये लिया हुआ था लोकल मार्केट से, और जो कि डबल एक्सल मैंने पैंटी लिया हुआ है, ताकि आपका सी सेक्शन हुआ रहता है ना, उस पर टाकों के पे जोर ना लगे, तो आपको पैंटी अगर आपकी जो साइज़ है उससे दो नंबर या एक नंबर बड़ा ही लीजिएगा, और काफ़ी कंफर्ट रहे वो वाली पैंटी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दो पैंटी ली हुई है अपने साथ, दो पैंटी भी मैं कैरी करूँगी। इसके अलावा मैं अपने साथ एक थर्मल वाला बॉटल यूज़ करूँगी, ये अपने साथ कैरी करूँगी, ताकि आपको ना जब सीजेरियन हो या तो नॉर्मल डिलीवरी हो ना, तो उस टाइम पे इस तरीके का आपको बॉटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पानी आपका वार्म रहे, गर्म रहे, क्योंकि गर्म पानी हल्का गुनगुना पानी पीने के लिए कहा जाता है। और अगर आपका बेबी फीडिंग नहीं कर पाता है, तो अगर उसे ऊपर का दूध मतलब फार्मूला दूध देना पड़ता है ना, तो उसमें भी आपको गुनगुने पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके लिए ये बॉटल बहुत ही अच्छा होता है। और ये बॉटल मिल्टन का है, मिल्टन का काफ़ी अच्छा है, इसमें 24 आवर तक अगर एक बार भर देते पानी तो गर्म रहता है, वार्म रहता है। तो ये बॉटल भी मैं अपने साथ कैरी करूँगी। अब इसके अलावा मैं अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें वो मैं एक साथ आपको बता देती हूँ। मैं इसमें ये छोटा सा मिनी बैग है मेरी बेटी का, मैं इसमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे यूज़ करना है वो मैं इसमें पैक कर दूँगी, जैसे कि एक रहेगा हैंड वॉश अपने साथ जरूर मैं कैरी करूँगी। इसके अलावा मैं एक पाउडर कैरी करूँगी अपने साथ, और बिंदी और कोम, और मैं कह सकती हूँ एक अपने साथ फेस क्रीम भी यूज़ करूँगी उस टाइम पे, और एक मैं मॉइस्चराइज़र बेबी वाला रखी रहूँगी, क्योंकि मैं बेबी मॉइस्चराइज़र ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा टूथब्रश हो गया और टूथपेस्ट हो गया, और अपने साथ मैं ज़रूर कैरी करूँगी। आप कोई भी हेयर ऑयल छोटी बॉटल ले सकते हैं, या तो अगर आप सरसों का मस्टर्ड ऑयल शुद्ध मिल रहा है आपको, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर अपने साथ रखिए। तो मैं अपने साथ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी कैरी करूँगी, जो कि घर का शुद्ध तेल है। वो एक्चुअली ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन बाद सर पे रखने भारी भारी लगता है ना, सर पेन मतलब सर में दर्द होता है, तो उस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल रखा जाता है। ये आज से पता नहीं चली, पहले से ही चलती आ रही, जब कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन बच्चा पैदा होने के बाद काफ़ी भारी भारी सर लगता है, तो सर पे तेल रखने का रिवाज रहता है। तो इसलिए मैं एक छोटी बॉटल अपने साथ सरसों का तेल वाला भी कैरी करूँगी। इसके अलावा मैं अपने साथ एक मिरर छोटा सा कैरी करूँगी, आप भी अपने साथ कोम रख लीजिएगा, और इसके अलावा आप अपने साथ फेस वॉश भी रख सकते हैं। और इस समय जो चल रहा है स्थिति परिस्थिति आप जानते हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र भी अपने साथ ज़रूर कैरी करके ले जाइएगा, मास्क भी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। और आपको इसके अलावा जो आपकी ज़रूरत के सामान लगती हैं, आपको लगता है कि आपके लिए ये सब जरूरी चीज़ें हैं, तो वो सभी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने साथ चार्जर, मोबाइल, ये सब भी ज़रूरी है कैरी करना।
क्योंकि उस टाइम पे जो पीरियड रहता है 6 से 7 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है और कई जगह तो 4 दिन भी रखा जाता है, हर हॉस्पिटल का अपना अलग रहता है नियम। तो उस समय बोरियत वगैरह लगती है ना, तो आप मैगजीन भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मोबाइल भी उस समय सपोर्ट रहता है तो आप चार्जर अपने साथ कैरी करिए, अगर पावर बैंक है तो वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने साथ एक नोट पैड और पेन जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि आपके बच्चे की फीडिंग का समय और दवा वगैरह और कुछ भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो आप उसमें लिख सके, वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, बेस्ट पैड आता है जो ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। मेरी जो 2 प्रेगनेंसी थी, मतलब बच्चे जो 2 हुए, तो उस टाइम पे दोनों सी सेक्शन से ही हुए थे, उस टाइम पे ये ब्रेस्ट पैड वगैरह मुझे नहीं पता था तो मैं हैंकी यूज़ करती थी, लेकिन आज के समय में ये भी आ गया है तो वो मैंने मंगाया हुआ है, बट अभी आने में टाइम लग रहा है, आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा था, तो इस वजह से तो वो भी आप अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद से ही लगती है, जब आपका मिल्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तब यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा आप एक बेडशीट अपने साथ ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, बाद में भी मंगा सकते हैं। और न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। अपने साथ एक कॉटन का आप दुपट्टा ले सकते हैं या तो स्कार्फ ले सकते हैं कान में बांधने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड थोड़ा सा लगता है। और आफ्टर डिलीवरी ना, एक्चुअली हमेशा बड़े लोग भी कहते हैं कि कान को ढक के बांध के रखना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दोनों टाइम पे। और सॉक्स भी अपने साथ कैरी करिएगा, ज़रूर मत भूलिएगा, सॉक्स की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जुलाबे जो होती हैं पैर में मोजे पहनने के लिए, तो वो भी आप अपने साथ कैरी करिएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों में ज़रूरत पड़ती है। बट अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ जो कि सी सेक्शन में ज़रूरत पड़ती है, वो है ये बेल्ट, जो कि ऑपरेशन के बाद इस बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब आप इस बेल्ट को, हर डॉक्टर बोलता है, और ये मेरा जो ये बेल्ट है ना वो पुराना है, एक्चुअली टुकटुक के टाइम का है ये बेल्ट, और आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो ये बेल्ट अब इस वाली डिलीवरी में भी काम आने वाला है, अगर साइज़ सही रहा तो। अदरवाइज़ हर साइज़ के अलग अलग साइज़ के बेल्ट आते हैं, बेल्ट इसलिए बोलते हैं डॉक्टर लोग ताकि जो पेट के टाँके वगैरह हैं वो उसमें कोई मतलब हार्म ना पहुँचे, और कमर को सपोर्ट बनाता है, पेट पे जो टाँके लग गए रहते हैं उस पर बेल्ट लगाने से ना आपको उठने में बैठने में सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो कैरी करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो डॉक्टर ज़रूर लिखती है, किसी भी मेडिसिन शॉप पे आपको नॉर्मली मिल जाएगा, तो ये भी आप अपने साथ कैरी कर सकते। इसके अलावा आपको शॉप रखना है, साबुन वगैरह, कपड़े धुलने वाले, नहाने वाले भी जो आपके साथ वाले हैं उनके ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ की, और कपड़े धुलने की साबुन या सर्फ ज़रूर रखिएगा, ताकि बच्चों की जो नैपिस वगैरह थी वो धुलना पड़ता है वहाँ पे, और आपके भी जो कपड़े वगैरह रहते हैं ना वो सब धुलने में भी काम आएगा। और इसके अलावा जो आपको लगता है कि आपने आपके लिए सब ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो 9 चीज़ें मैंने आपको बताई जिसको आपको अपने साथ ज़रूर लेकर के हॉस्पिटल बैग में लेके जाना है। तो ये था आज का मेरा हॉस्पिटल बैग, जो कि मैंने डिलीवरी के लिए पैक किया हुआ है, और मैं पैक करके ऐसी जगह रख दिया है, मैंने अलमारी में इस साइड लगा दिया है जहाँ पे मेरा जो बेबी वाला हॉस्पिटल बैग है और जो मेरा है वो दोनों मैंने फ्रंट मतलब सामने रखा हुआ है, ताकि जब जाना हो तो दोनों बैग मुझे आसानी से मिल जाए और मैं उनको ले करके जा सकूँ। अगर आप भी अगर हॉस्पिटल बैग बनाते हैं पहले से तो उसको आप ऐसी जगह रखना, और फैमिली मेम्बर को भी बता देना कि यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि सब पता रहे और वो आसानी से आपके साथ जा सके हॉस्पिटल टाइम पे, जब आपके बेबी का डिलीवरी होने का टाइम हो जाए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे वीडियो, मुझे लगा इस पर बनाना चाहिए, मैंने आपसे बोला था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस समय बहुत अजीब अजीब होता है, जो प्रेगनेंसी जर्नी से चल रही है महिलाएं उनको अच्छे से पता होगा 9 मंथ लगने ही वाला है, तो मुझे लगा इस टाइम पर मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और डालना चाहिए, ताकि मेरी जैसी और जो महिलाएँ उनकी भी हेल्प हो सके किसी न किसी रूप पर। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे आए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्रजापति नाम से इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।